ठीक है चलिए, आप किस तरह से देख रहे हैं जो तीन विधेयक हैं, तीन विधेयकों को किस तरह से आपने देखा है, महिला के नाते किस तरह से देख रही हैं कि जो तीन विधेयक ये आ रहे हैं, कि इन विधेयकों से क्या महिला की सुरक्षा को भी आप अच्छे से देख रही हैं, या कानून में सुधार देख रही हैं, या कानून को और एकदम कंजस्टेड, एकदम ना एकदम दबा हुआ कि दब जाए इंसान, डर जाए, अपराध करने से पहले डर जाएगा, कैसे देख रहे हैं इसको? जी, मैं तमाम जो अभी हमारे सभी मेहमानों ने जो अपनी बात रखी, मैं उससे सहमत हूँ। मुझे ये लगता है कि देखिए, जैसे कि अभी ऋषिपाल जी ने कहा था कि हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमारा अडॉप्ट किया गया है और बाकी कुछ कंट्रीज से भी अडॉप्ट किया गया है, तो बस मेरा ये मानना है कि इंप्लीमेंट और जो हमारे अमेंडमेंट तो देखिए होना चाहिए समय और सिचुएशन के हिसाब से जो है, तो इसमें अगर बदलाव होता है तो ये गलत बात नहीं है। सबसे जैसे आपने कहा कि महिला होने के नाते, मैं यही कहूंगी कि उसको आप जो भी कानून बनता है उसको ये हमारे उसको आप कैसे, सबसे जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे कहती हूँ, अगर कोई महिला अपनी कंप्लेंट देती है, आप जो नीचे की जो एक कानून प्रणाली है वो उसको कैसे फॉलो करती है, आप कितने उसमें उसका कंप्लेंट लेते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल अगर कोई महिला अगर किसी को रेप का भी लगा देती है, पॉक्सो एक्ट है, अगर वो कोई नेता है तो पुलिस भी बहुत कतराती है। तो मेरा ये मानना कि अगर कोई भी कानून है उसका कठोर से पालन अगर किया जाए, तो आपने जैसे कहा कि इसमें क्या फर्क पड़ेगा, मुझे ये लगता है कि कठोर से पालन होना चाहिए, तभी कहीं ना कहीं अगर हम कठोरता से, अगर जो भी शासन प्रणाली है उसको हम कठोरता से उसका पालन करते हैं तो हमें इसके रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं। मतलब कठोर कानून की बजाय कठोरता से पालन किया जाए, पालन इम्प्लीमेंट जो करना, है कानून उसपे देखिए हमें इम्प्लीमेंट और सख्ती बरतनी अमेंडमेंट तो चाहिए। होना चाहिए जी, समय के साथ इम्प्लीमेंट और अमेंडमेंट होना ऋषिपाल जी, चाहिए। सर सबसे आपसे मेरा अहम एक सवाल होती है, है जैसा आप कि हमने अभी कठोरता चर्चा से करी, हमने पालन पनील सर कानून ने को भी